सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आ रखा हूँ अपने बाड़ियों पे, और अब भुट्टा का सीजन तो गया। अब जो है हम इसमें बाड़ी पे जो है साग सब्जी जो है लगाने वाले हैं। अभी जो है मैं आलू जो है ना उसके लिए जो क्यूरिया बनाने वाले हूँ, छोटा छोटा जो है पलिया जो बोलते हैं वही बनाने वाला हूँ। और अभी जो है दादी घर से आ रही है, तो मैं आ गया हूँ अपने बाड़ियों पर। तो चले फिर, फावड़ा वगैरह तो ला चुके हैं, रहा देख सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पर बनाना है, तो आप लोग को दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग जो बनाते हैं आलू जो है लगाने के लिए। और आप लोग को बीज जो लगाया हूँ मैं दिखाता हूँ कितना बड़ा हो गया है, देख सकते हैं इतना बड़ा हो गया है। अपने बाड़ियों पे जो मैं बीज लगाया हूँ यहाँ देख सकते हैं ऐसा, और बाड़ी वहाँ पे जो है हमको लगाना है, और वहाँ पे अपना बोर है। तो चलिए फिर आप लोग को भी दिखाता हूँ वहाँ पे जो है आलू जो है लगाने वाले वहाँ पे। और अभी जो है दादी घर से आ रही है, वह जो है आलू लेकर आ रही है, और तो उसके बाद दोनों जो है मिल के हम जो लगाने वाले हैं। तो आप लोग को दिखाते हैं, तो बारी देख सकते हैं पीछे कुछ ऐसा है, और इसमें जो भुट्टा बुनाई किए हुए थे, लेकिन अभी आज जो है इसमें जो है हल लगा दिए हैं हम लोग जो है, अब इसमें जो है आलू उगाने वाले हैं। तो देख सकते हैं ऐसा, और देखो दोस्तों अपना जो है बोर यहाँ पे जो है अभी पानी चालू हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है निकेज मार रहा है। देख सकते पानी जो है बाहर फेंका रहा है पाइप से, अभी पाइप पानी जो है उन लोग के घर में जा रहा है। इधर जो हम लोग का घर तो उस साइड है, और वहाँ देख सकते हैं दादी भी आ गई है। और यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं जो है हम लोग बना लिए आलू जगाने के लिए जो है। तो आप लोग को भी दिखाता हूँ किस तरह जो है मैं बना कर रखूँ अभी पूरा का पूरा। और रहा अभी देख सकते हैं इतना सारा कुछ बनाया हूँ पूरा का पूरा जो है, खंड खंड जो है मेड़ मेड़ टाइप का ऐसे कुछ बनाया जाता है जो है आलू लगाने के लिए। यहाँ और भी बनाना है, और वहाँ से जो है दादी आ रही है वो रहा। तो चलिए फिर और बना लेते हैं, उसके बाद जो है आप लोगों से जो है मिलते हैं। पूरा पसीना पसीना सो गया, इतना धूप है ना, बहुत ज़्यादा धूप भी किया हुआ है, और पसीना पसीना पूरा। ये रहा दादी भी आ गई यहाँ पे जो है आलू जो है लगाने के लिए। और एक और भी पेड़ है जो मैं लगाया हुआ हूँ, और इधर आम का पेड़ है। फलदार जो है पौधा लगाना चाहिए दोस्तों, और का बढ़ेगा तो हम लोग को जो है खाने के लिए मिलेगा। तो चलिए फिर और बनाते हैं जो है, और उसके बाद जो है आप लोग को दिखाते हैं। ऐसा ऐसा और बनाना है बहुत सारे, अभी जो है आलू पूरा लगाना है हमको जो है। तो दोस्तों हमारा काम जो है सक्सेसफुल हो चुका है, पूरा का पूरा जो है तीन बना लिए हैं पलिया जो है आलू लगाने के लिए। तो इधर और इधर इधर, और दादी जो है बीच बीच में जो घास फूस है ना उसको जो है निकाल रही है जो कुदारी के सहारे जो है। और देख सकते हैं अब इसको जो है, और मैं भी जो है थोड़ा थोड़ा घास फूस इसको निकालूंगा। तो आज तो आलू नहीं लगाएंगे जो है, कल जो है नेक्स्ट मॉर्निंग को जो है यहाँ पे आलू जो है लगाया जाएगा। तो आप लोग को दिखाऊंगा किस तरह से जो है आलू होती है हमारी, और लगाते हैं उसको जो पूरा प्रोसेस आप लोग को दिखाऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, साथ ही गाइस अगर चैनल पे ना तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना विलेज लाइफ स्टाइल देखने के लिए, और टूरिस्ट और एनी थिंग जो है लाइफ स्टाइल। दादी ये रहा ऐसा बना रही है देख सकते हैं पूरा। तो ओके चलिए फिर इसको फिनिश करते हैं जो है, कल आप लोग को दिखाएंगे इसमें जो है आलू पूरा का पूरा जो है लगाएंगे, उसको जो है आप लोग को फिर दिखाएंगे। आलू जो है हमारा उसमें जो है जरिया निकल गया है, छोटा छोटा उसका जो है वो होता है ना आलू में बीज निकल गया। तो चलिए फिर इसको, दादी जो है थक जाती है, उसकी कन्हियाँ जो है कमर जो है दर्द देने लगता है, इसे झुके झुके से झुकने से जो है, तो मेरे को बोल रहे हैं कि कमर दर्द दे रहे हैं। तो चलिए फिर आप लोग को दिखाते हैं नेक्स्ट डे में जो है आलू लगाने का जो है प्रोसेस। दोस्तों आज जो है हम लोग जो है आलू लगाना जो है स्टार्ट कर दिए, तो देख सकते हैं पीछे जो है लगा रहे हैं सिस्टर और दादी और भाभी जी जो है। तो चलिए देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है सभी लोग जो है अभी लगे हुए हैं आलू जो है लगाने में, और मैं तो अभी इधर और बना रहा हूँ जो है पलिया जो है इस साइड जो है, और उन लोग लगा रहे हैं। तो आप लोग को दिखाता हूँ, और देख सकते हैं पूरा इधर जो है आधा लगा लिए हैं, इस साइड पूरा लग गया है यहाँ,
यहाँ पे जो है पूरा लग गया है आलू जो है इधर इस साइड में पूरा वहाँ तक, और इधर देख सकते हैं पूरा ये रहा बीज छोटा छोटा, बहुत छोटा है लेकिन हो जाएगा, इसमें जो है रोज पानी डालना पड़ेगा फिर हो जाएगा। अच्छा इधर लगा रहे हैं देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है आलू, और इधर मूली भी लगाना है, लाल भाजी भी, बहुत सारे जो है सब्जियां लगाना है हमको जो है यहाँ पे। तो चलिए फिर और बना, ओके दोस्तों, तो फाइनली जो हम लोग जो है बाड़ी पे जो है आलू लगा लिए। अब मैं जो घर आ गया हूँ और अभी जो है सीताफल खा रहा हूँ, जो है पहली बार फर्स्ट दिन जो है आज जो है सीताफल खा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा फल है लेकिन पका नहीं था ना, तो पका के अभी रखे हैं, तो देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है, और अभी बहुत ज़्यादा तेज चूक किया हुआ है। तो आलू लगाना तो हो गया और बचा हुआ है, लेकिन अगले दिन जो है उसको लगाएंगे जो है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको खा लेते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट है, जो शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। लेकिन सीताफल बहुत सारे जो बाड़ी पे लगा के रखे हैं हम लोग जो है, लेकिन अभी पका नहीं है, कुछ कुछ जो है पका हुआ है, तोड़ के रखे पका दिए उसको जो है। तो चलिए फिर खा लें, तो देख सकते हैं आप लोग भी पूरा का पूरा किस तरह से है।